तो ये है माइनक्राफ्ट, बट वी कैन ड्रॉ कस्टम आइटम्स। और आज की इस वीडियो में मैंने काफी हॉरर और चीजें बनाई है, जैसे कि मेकअप में डूबी हुई डायन और भी काफी चीजें। तो ये सभी ओपी और इंटरेस्टिंग चीजें देखने के लिए वीडियो करना जरूर देखना। और यार अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो प्लीज। यो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो तुम लोग? और हम मिल रहे हैं लिटरली 7 दिनों के बाद, और मैं आ चुका हूँ फिर से इस माइनक्राफ्ट की ओपी वाली दुनिया में। और मैं ना लिटरली कल सोया ही था, और देखो अभी मैं उठ रहा हूँ और हम लोग उस कम्युनिटी पोस्ट के बाद मिले ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि मेरे एग्जाम चल रहे हैं और अभी भी ना लिटरली वो चल ही रहा है। पर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, वीडियो तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि पिछले 7 दिनों से घर में राशन नहीं आया है। खैर उन बातों को छोड़ो और देखो इस पे फोकस करती है। मेरा वो ड्राइंग वाला टूल कुछ विलेजर्स ने चुरा लिया था और मैं आज उसी को ढूंढने पर निकला हूँ। और मैंने सुना है कि यहाँ पर पास में ही एक डेजर्ट वाला विलेज होता है और उन्हीं के विलेजर्स ने वो चीज चुराई है, तो चलो उस विलेज में चलते हैं और फिर देखते हैं भाई है कौन वो आदमी। ओके तो गाइस मैं आ चुका हूँ उस विलेज में, एंड देखो अभी ना मुझे कुछ भूख भी लग रही है क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, तो चलो इसको खा लेते हैं। ये वाटरमेलन है, ओ ये तो कैक्टस है। और वेट इधर तो देखो आयरन गोलम भाई भी है। और गाइस जैसे कि तुमने इंट्रो में सुना ही है कि आज मैं बनाने वाला हूँ काफी ओपी ओपी हॉरर चीजें, तो चलो बस तुम इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी से कर दो, एग्जाम छोड़ के मैं वीडियो बना रहा हूँ। शाबाश बेटा। और आयरन गोलम भाई कैसे हो भाई? वेट गुस्सा क्यों हो रहा है यार? रुक वेट, तू गाइस सामने देखो कितनी मस्त लग गया मेरी। मैंने इतने दिनों के बाद माइनक्राफ्ट खोली है और लिटरली देखो मुझे सामने मिल चुका है एक डेजर्ट टेंपल। मेरे पास शब्द ही नहीं बचे हैं। और जहाँ और वेट भाई तू आ जा पहले, कोई बात नहीं अभी हम धीमे धीमे चलेंगे और उस स्केलेटन को मारेंगे और फिर हम जाने वाले हैं उस डेजर्ट टेंपल में, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पर ना भाई काफी ओपी ओपी लूट होती है। चलो देखते कि हमें क्या मिलने वाला है। तो फाइनली मैंने ना अपने पंचेस के हाथ से उस स्केलेटन को मार दिया है और अब भी वक्त है इस जमीन के अंदर जाने का, तो चलो वेट पहले ना मैं इसको तोड़ देता हूँ। तो मैंने ये अभी तोड़ दिया है एंड अभी टाइम है नीचे कूदने का। और वेट ये देखो वो चेस्ट प्लेट है, उस पर ना हमें कूदना नहीं पड़ता है, तो चलो मैं एक ब्लॉक तोड़ता हूँ और फिर उसे भी देख लेंगे। एंड वन, बस तुम ना मेरी MLG देखना। गाइस वेट आई थिंक मैंने गलती से दबा दिया है। ओ आई थिंक मैं अपने कार्य से भटक चुका हूँ, मुझे ना एक ड्राइंग बनानी है और मैं उल्टे काम करे जा रहा हूँ, तो चलो हम ना गाइस पहली बनाने वाली अपनी ड्राइंग। और आई थिंक तुमने ना उसका नाम जरूर सुना होगा, वो है एक क्लाउन और वो लाल लाल होता है और वो काफी हॉरर क्लाउन है, बस तुम देखो। ओके तो मुझे ना पूरा फोकस करने की उधर जरूरत है, तो इसका जो चेहरा होता है वो कुछ वो टाइप होता है, स्क्वायर टाइप होता है। और वेट अच्छा वेट माइनक्राफ्ट में तो सभी ब्लॉक के बने होते हैं, तो ये भी तो ऑफकोर्स होगा ही। एंड वेट गाइस देखो आई थिंक ये वाली ड्राइंग मेरी काफी ओपी होने वाली है। और लिटरली देखो जरा मेरी ड्राइंग काफी दिनों के बाद काफी ओपी हो चुकी है। हो भाई देखो मैं कितनी खतरनाक ड्राइंग बनाने वाला हूँ। अंदर से फीलिंग आ रही है कि जो मैं ये ड्राइंग बनाऊंगा वो मेरी जिंदगी की सबसे ओपी ड्राइंग होने वाली है, तो चलो देखते हैं कि हम क्या बनाते हैं। तो ये होती है इसकी आंखें कुछ ऊपर होती है, और लिटरली इसकी आंखों का कलर ना भाई येलो होता है। क्या तुमने कभी देखा है किसी की आंखों का कलर येलो है? एंड गाइस देखो मैंने इसके वो भी बना दिए, बाल भी बना दिए साइड वाले लाल लाल। एंड अब भी टाइम है इसको कलर करने का, तो इसके हाथ जो होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, और इसने और आई थिंक इसने ना पूरा का पूरा तन मन धन से वो पहना होता है व्हाइट और येलो। तो गाइस देखो आई थिंक तुम्हें लग रहा है ये पूरा का पूरा जोकर बन चुका है। और चलो मैं ना तुम्हें थोड़ी हिंट दे देता हूँ, ये बोलता है हेलो जॉर्जी, वैसे ऐसा तो नहीं बोलता। एंड गाइस अभी ना हमारी ये वाली ड्रॉइंग कम्प्लीट हो चुकी है, एंड 3 2 1 बूम, देखो गाइस आ चुका है पेनी वाइज। ओहो गाइस देखो जरा ये लिटरली मेरे पीछे पड़ चुका है और इसे छुटकारा पाने के लिए, और वेट यार मैं हाय की अट पे हूँ। शिट नहीं 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 नहीं, अरे यार कोई बात नहीं अभी हम थक चुके हैं, तो मैं लिटरली अपना पहले तो मैं अपना सामान उठा देता हूँ। और वेट ये कौन आ चुके पीछे? जहाँ तक मुझे लगता है ये वो है पेनी वाइज के चमचे, तो इनसे तो मैं दूर रहता हूँ। एंड गाइस अभी मैं आ चुका हूँ, वेट ये कौन है? पेनीवाइज का बच्चा है क्या? कोई इसको दूध पिलाओ। एंड अब भी काफी खतरनाक वाली सिचुएशन हो चुकी है, बाहर पेनीवाइज के गुंडे घूम रहे हैं
और मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ, और जब सुबह होगी आई थिंक ये तब भी जा पाएंगे, तो आई थिंक मुझे सुबह होने का वेट करना ही होगा। एंड गाइस वेट, सॉरी वेट, मैं शायद गलत कमरे में आ चुका हूँ। ओके तो गाइस फाइनली अभी ना आई थिंक मैं सो सकता हूँ, क्योंकि बाहर आयन गोलम भाई ने एक भी बंदे को रखा नहीं है, तो मैं फिर से सोने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ। ओके तो गाइस फाइनली मैं सो कर उठ चुका हूँ, एंड बूम बाहर एक भी बंदा नहीं बचा है सिवाय आयन गोलम के अलावा, और आयन गोलम भाई ने काफी अच्छा काम किया है। और अब भी टाइम है हमारी नेक्स्ट ड्राइंग को बनाने का, और जो गाइस मैं नेक्स्ट ड्राइंग बनाने वाला हूँ तो मैं उसको हिंट देता हूँ, वो ना एक डॉल है और वो भी स्केरी डॉल, तो चलो उसे बनाना शुरू करते हैं। ओके तो मुझे ना अपनी पेंटिंग को बनाने के लिए एक ओपी वाली जगह मिल चुकी है, और आई थिंक यहाँ से हम अपनी पेंटिंग को ओपी वाला बना सकते हैं, तो चलो नीचे चलते हैं और अपनी पेंटिंग बनाना शुरू करते हैं। एंड ओके तो हमारी ड्राइंग ना काफी आगे आ चुकी है, हमने ना दिया एक स्क्वायर वाला मुंह, उसकी लिपस्टिक, उसका पेट और उसकी टांगे, उसका मुंह और उसका सब कुछ, और बस अभी ना तुम देखो इसके बाल ना काफी खतरनाक होते हैं, एंड इसकी आंखें होती है वो होती है ब्लू ब्लू, तो चलो मैं ना इसका नाम ले लेता हूँ, ये है बेटी एना, हाँ एना बेला। ओके तो बस ये भी बन चुकी है, एंड थ्री, और हाँ ये अब आने वाली है, तो चलो 3 2 1। ओके गाइस आ चुकी है, और बेटी एना कैसी हो? अबे यार इसको कोई समझाओ, मूवी करने के बाद तुम मिली नहीं, अरे यार शिट ये मेरे पीछे पड़ चुकी है और वो भी हंसते हंसते, भाई क्या है ये? एंड वेट आई थिंक वो गायब हो चुकी है, मैं तो बस उसे कि उसकी मूवी के बाद भाई दिखी नहीं, ये गुस्सा क्यों हो गई? खैर गाइस इसे रहने देते हैं, इसके नखरे सवारने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम भी तो यार 300K के काफी क्लोज है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। एंड गाइस अब भी ना जो हम नेक्स्ट ड्राइंग बनाने वाले हैं वो है इस एना बेला का ही भाई, एंड उसका नाम है चक्की बेटा। हाँ आई थिंक तुमने ना पहले इसके बारे में कभी सुना नहीं होगा, तो चलो ये लो ये देख लो, हाँ ये काफी हॉरर बंदा है, और हाँ ये ना भाई काफी बैडस करैक्टर है। क्या तुम्हें बैडस का मतलब नहीं पता? गूगल तो गाइस अब भी ना हमारी ड्राइंग काफी आगे मतलब खतरनाक लेवल तक पहुंच चुकी है, और देखो मैंने इसे बना भी दिया है, और अभी टाइम है देखो वेट ना इसको ना थोड़ा और रियलिस्टिक बनाते हैं, क्योंकि जो इसके कपड़े होते हैं वो होते हैं ब्लू और कुछ रेड धारियां भी होती है उस पर, एंड ये ना पूरे का पूरा कटा हुआ होता है बीच में से, और वेटर देखो ये कितना हॉरर लग रहा है, और आई थिंक अभी ना चक्की बेटा भी आने वाला होगा, तो चलो काउंटिंग शुरू करते हैं 3 2 1 बूम। तो गाइस देखो चक्की बेटा आ चुका है, एंड वेट गाइस लिटरली रात हो चुकी है और ये मेरे पीछे पड़ चुका है, और चक्की बेटा दूध पिया और उसे तो देखो हाँ कर रहा है, अरे चक्की बेटा तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, रुक जा तू, दुद्दू पी भाई। वेट ये चक्की बेटा का फादर आ चुका है, एंड गाइस देखो भाई अंकल कुछ नहीं किया मैंने आपके बेटे को, और मैंने तो अभी तक उसे मारा भी नहीं है अंकल भड़क के। तो गाइस अभी ना मैंने एना बेला दीदी को बनाया, चक्की बेटा को बनाया, और पेनीवाइज को भी बनाया, उन्होंने मुझे मार दिया, बिल्डिंग की कोई कदर ही नहीं है, पर बस अब भी बहुत हुआ, अब भी मैं बनाने वाला हूँ एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि शायद हमेशा मेरे साथ रहेगा, क्योंकि मुझे एक दोस्त की जरूरत है, तो चलो मैं ना तुम्हें हिंट दे देता हूँ, और जो मैं हिंट दूंगा तुम्हें पहले ही भाई कमेंट करना है कि मैं कौन सा मॉब बनाने वाला हूँ, तो चलो मैं हिंट देता हूँ, वो पूरा का पूरा काला होता है, उसके बड़े बड़े दांत होते हैं, वो उठ सकता है, और उसके मुंह पे हमेशा खून लगा होता है, और साथ ही साथ उसका नाता एक बैट से भी है, और वेट देखो यार बात है मैंने कितना ओपी बना दिया है, और हाँ वो ना पूरा का पूरा वाइट होता है उसका मुंह, और वो पर वो पहनता पूरा का पूरा ब्लैक है, और उसकी आंखें ना भाई पूरी की पूरी लाल होती है, और आई थिंक तुम लोगों को ना पता चल ही चुका होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, एंड हाँ वो हैलोवीन को आता है, और बातों में देखो जरा मैंने कितना ओपी मतलब बंदा बना दिया है, और वेट यार शिट पीछे देखो पीछे सुबह हो चुकी है, आई थिंक जब ये आएगा तब ऑटोमेटिकली रात होने वाली है, तो चलो शुरू करते हैं। एंड गाइस देखो हमारा ड्रैकुला बनकर बिल्कुल ही रेडी है, और बस अभी टाइम है इसको स्पॉन करने का, 3 2 1 एंड बूम। गाइस देखो जरा ड्रैकुला भाई, वेट ये मुझे क्यों मार रहा है? मेरे को लगा भाई ये मेरा दोस्त होगा, पर ये भी तू विश्वासघाती है भाई, और देखो तो यार कितना ओपी लग रहा है, कुछ भी बोलो मुझे ना भाई कभी कभी अपने टैलेंट का पता नहीं चलता है, पर मैं हूँ काफी टैलेंटेड, और वेट मैं ना तो मैं उस कूल डूड को थोड़ा और क्लोज से दिखाता हूँ,
एंड वेट, ये टूट रहा क्यों नहीं है? और आई थिंक मुझे ना एक डायमंड की पिकेक्स बनानी पड़ेगी, और पिकेक्स को बनाने में तो भाई मैं काफी ओपी बनता हूँ। तो वेट, ये बन चुका है, एंड नीचे देखो। और ड्रैकुला भाई कैसे हो? वेट, मैं नीचे क्यों जा रहा हूँ? एंड बूम, मुझे पता था यही होने वाला है। तो गाइस अब बहुत हो चुका है, अब बहुत हो चुका है सच। अब ना मैं एक ऐसा करेक्टर बनाने वाला हूँ, वो काफी हॉरर है, वो काफी ओपी है, और वो ना इतना खतरनाक है कि वो बाकी सभी के सभी बंदों को मार सकता है। और वो है सेंटा का भूत वाला भाई। हाँ, तुमने उसके बारे में सुना नहीं? ये देख लो, ये है, कितना खतरनाक है ना। और अभी लिटरली हम उसे माइनक्राफ्ट में बनाने वाले हैं। तो इसके ना भाई सींग होते हैं, पर भी होते हैं, और इसकी ना एक तगड़ी वाली जीभ भी होती है, एकदम सांप जैसी। और ये हर क्रिसमस को आता है, और ये ना पूरा का पूरा ब्लैक होता है, पर इसके सींग, आंख, जीभ काफी लाल होते हैं, जिन्हें देख कर मजा आ जाता है। तो चलो अभी वक्त है इसे रियल लाइफ में बुलाने का। तो चलो 3, 2, 1। वेट गाइस, मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरे को लगा क्यूट सा बंदा आएगा, पर देखो जरा, ये तो सेंटा आ चुका है, पर सेंटा का ईविल वर्जन। एंड मुझे समझ आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। एंड गाइस देखो, अभी ना इधर सभी के सभी मॉब्स आ चुके हैं, एंड मेरा तो बाय बाय हो चुका है। एंड या सो गाइस, आज के लिए इतना ही। और अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो गाइस यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, इससे भाई काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और प्रे करो कि मेरे एग्जाम अच्छे से जाए। तो चलो मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।